वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज गए सुबह के 8 और कल थोड़ा सा सीन हो गया है। हमारी जो गाड़ी थी उसमें प्रॉब्लम आ गया है एक, तो हमें कुल्लू और मनाली बीच में कहीं पे रुकना पड़ा। तो हम रुक गए हैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे ही मैंने आपको रात को बताया था, लेकिन दिखा नहीं पाया था क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तो ये एक बागीचा है, कुछ फ्रूट्स उगा रखे हैं उन लोगों ने। तो यहीं पे हमने थोड़े से पैसा दे के जगह पे टेंट लगा दी, यहीं पे खाना पीना हो गया था कल का। रात को नेगेटिव था टेम्परेचर, लेकिन जैसे कि हमारे पास स्लीपिंग बैग्स वगैरह अच्छी है तो उतनी दिक्कत नहीं आई थी। और गाड़ी के ऊपर बर्फ़ भी जम गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गए हमारे टेंट और ये देख लीजिए भाई साहब, अभी बर्फ़ जम चुकी है यहाँ पे पूरी गाड़ी के ऊपर। गाड़ी के कांच भी बर्फ बर्फ हो गया है भाई। सेल लगा दिया? नहीं लगाया अभी, थोड़ी देर के बाद सेल लगा दो एक, ठीक है? हाँ। टेंट के ऊपर तो बर्फ नहीं आ गई थी? नहीं, पेज लग गया था बर्फ तो, बताने सुबह देखा तो। और ये रहे हमारा कैंप्स। तो आज दिखा है कि थोड़ा सा वो ओस लग गई है। ये भाई ये बर्फ आ गई भाई, देख। हाँ थोड़ी बहुत है, थोड़ी सी बर्फ आने लगी है ये ओस की वजह से। लेकिन टेंट में एक चीज़ अच्छी होती है कि इसके नीचे भी एक और दूसरा लेयर होता है, तो पानी अंदर तक नहीं पहुंच पाता। और ये हमारी राम प्यारी को भाई साहब ने सेल भी लगा दिया है, लेकिन भाई साहब बर्फ बर्फ तो जम गई है, देखें पूरी। तो चलिए आपको ये एक इस गाड़ी के ऊपर भी जम गई है। ये है पूरा ये बागीचा और यहीं पास में ही एक ब्यास नदी जा रही है, यहीं से ही पास में से ही। पहले हम सोच रहे थे कि नदी के आसपास लगाया जाए टेंट कहीं पे, लेकिन अच्छी सी लोकेशन नहीं मिल रही है। क्योंकि ये सिटी के आसपास है, हम कहीं पे भी टेंट नहीं लगा सकते। और किसी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले आके दिक्कत कर सकते हैं रात को। ये हो गया पूरा सीन आसपास का। ओ भाई साहब, उस पहाड़ी पे तो बहुत ही बर्फ़ गिरी है, अगर आपको दिख रहा है तो। ये जा रही है ब्यास रिवर। दिमाग में है कि ब्यास रिवर में भी नहाया जाए कभी, लेकिन पता नहीं, लग तो नहीं रहा है कि हो पाएगा। तो अभी तो यही सीन है। ये हॉट बाथ के लिए ये इन लोगों ने बना रखा है, यहाँ पे ये हॉट बाथ देते हैं 20 रुपये पर पर्सन। ये और ये मेन रोड से आने के लिए ब्रिज है। तो ये आप पूरा सीन देख लें, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, आप कैंपिंग कर सकते हो खुद का, और थोड़े से पैसे लगेंगे बस। अच्छी प्रॉपर्टी है, लोग भी अच्छे हैं, हमारे ओनर से बात हो चुकी है रात को ही।
अभी सोलंग वैली पहुंच चुके हैं, दोपहर के बज गए हैं 3 और पूरा सोलंग वैली है खाली पड़ा हुआ है, बर्फ नज़दीकी आगे जा रही है और ये आगे कुछ लोग ATV पे राइड करते हुए। कितने में ATV राइड मिलती है? 500 के आसपास। पैराग्लाइडिंग भी अभी आई थिंक चालू ही। और यहाँ पे अभी कोई बर्फबारी हुई नहीं है, वरना यहाँ पे आपको सब बर्फ बर्फ दिखती। यहाँ पे कैंपिंग के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। वहाँ से पैराग्लाइडिंग हो रहा है, छोटा वाला ही, मनाली साइड जो है वो बड़ा है। और यही है पूरा एरिया, स्नो के टाइम यहाँ आजू बाजू में पूरा स्नो होता है। सोलंग वैली सोलंग वैली में गोलगप्पे देखे कितने के दिए भैया? 30 के 6। पूरे साल 30 के 6 या अभी? पूरे साल बढ़िया वाले गोलगप्पे बना रहे हैं भाई साहब। तो दोस्तों ये सीन है कुछ वैली का, पूरा सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं और यहीं पे आज रुकने वाले हम। इसे 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो ये ट्रेल टनल शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी आज कैंपिंग साइट ढूंढना थोड़ा कठिन हो रहा था क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी, तो यहीं पे कैंपिंग कर दिया है हमने अच्छी सी जगह ढूंढ के। थोड़ी सी आजू बाजू थोड़ी सी ऊंची दीवार है रोड की तो हवा नहीं चलेगी, और नदी भी थोड़ी सी दूर है तो ठंड लगने का भी चांस थोड़ा कम है। तो ये वाला कैंप दोनों लगा दिया हमने। कैंपिंग का शूट मैं आपको कभी और दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास जनरली टाइम नहीं रहता है थोड़ा सा, तो हम जल्दी जल्दी कैंपिंग कर देते हैं। ये हमने लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी है। अरे 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 भाई लोग क्या बना है, चखाओ चखाओ। भाई साहब ये हो गया पनीर नींबू। बारबेक्यू बन गया अभी चकाचक। और यहाँ पे जात जात भात भात के बारबेक्यू। ये सलिए लगा रखे हैं हवाओं में, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा। लाओ।